ये सब जो है झूठे है। जैसे लॉलीपॉप ही बोलेंगे तो लॉलीपॉप का अपमान होगा, लॉली कुछ नहीं है। तो सांसद कोटा से भी बहुत उससे ज्यादा फंड है, उससे नहीं बनेगा रोड, नहीं बनेगा जीटी रोड, नहीं लगेगा पावर प्लांट। ये जो है बिहारियों को ठगने का एगो जो है बहुत बड़ा साजिश है। जितना भाई लोग हैं सबको कहते हैं एकजुट हो जाओ बिहारी, और नहीं तो यहाँ से सबको हो जाएगा खदारी। आलोक जी कहाँ के लिए निकल पड़े हैं और क्या मकसद है आपका? देखिए सबसे पहले तो दिल्ली यहाँ से जो है हमको जाना है, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहे जो भी सरकार में थी वो कहा था कि हम दिलवाएंगे, लेकिन जब सरकार बन गई तो फिर पीछे मुड़ने लगे, हटकने लगे कि अब नहीं दिलवाएंगे। मतलब स्पेशल पैकेज दे करके जो है लॉलीपॉप थमा दिया। तो हम लोग को लगा चाहे जो भी बिहारी है, आप पूछ लिया, आप खुद बिहारी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सभ्य है, मेरा यही कहना है कि अब सब बिहारी युवा जाग रहा है, बिहार छला हुआ महसूस कर रहा है। तो इसीलिए अब हम जो है एक जागरूकता यात्रा, अभी कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट, कोई धरना, कोई स्ट्राइक, कुछ नहीं हो रहा है। सिंपल हम लोग जो है दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ कुछ भाई लोग हैं बिहार के, उनसे भी मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे भागलपुर बिहार, और फिर यहाँ पे आकर के जो है एक अगर सरकार सुनी तो ठीक है, और नहीं तो अगर हमको वो विवश करेंगे आंदोलन करने के लिए तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बुलेट से जा रहे हैं, कितना किलोमीटर का यात्रा हो, कितना परेशान? 1300-1400 किलोमीटर हो, परेशानी क्या कहिएगा भैया, परेशानी तो है ये है, परेशानी झेलने हैं, बिना परेशानी का कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार जो है बुलाएगा आओ दे देते हैं बिहार सरकार का दर्जा, ऐसे तो कितना आपको लगता है कि युवा के लिए क्या क्या जरूरी है बिहार में अभी? युवा के लिए सबसे पहला जरूरी है कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो हर बार युवा मेहनत करता है और उसके बाद जो है वो फेल कर जाता है या जो भी होता है वो सुसाइड कर लेता है। अब बहुत तरह का टेंशन है उसको, बहुत तरह का टेंशन है, नेट का या कोई भी चीज का, पेपर लीक हो जाता है, हर तरह का युवा है। अब मान के चलिए कोई भी कलाकारी कर रहा है, अब कलाकार को वैसा सम्मान नहीं है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए कलाकारी चल रहा होता है, बीच में कोई भी घुरफिर कर रहा होता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो जाए चाहे कहीं भी, वैसा खेल को लेकर के क्रिकेट का स्थिति आज जो सितारा जो कहता है कि क्रिकेट का एक बार सोचना चाहता है आदमी कि हम भी बन जाए, अपने बिहार में कहा है खाली स्टेडियम में राजगीर में दे देने से हो जाएगा कि खिलाड़ी को भी बनवाए। आप मैच करवाते हैं बिहार का जो है दूध खिलाड़ी निकल वहां चल जाता है टीम लेकर के, अपने मार कर लेता है कि हम है बिहार का टीम। आलोक जी लालू यादव के नाम से भी मशहूर है आप, पैकेज मिला है बिहार को, कई योजना बजट में मिला है, हाँ। क्या कहिएगा उसको लेकर, सड़कें मिली है, पावर प्लांट मिला है, लालू के अंदाज में? हाँ ये सब जो है झूठे है, जैसे लॉलीपॉप ही बोलेंगे तो लॉलीपॉप का अपमान होगा, लॉली कुछ नहीं है। तो सांसद कोटा से भी बहुत उससे ज्यादा फंड है, उससे नहीं बनेगा रोड, नहीं बनेगा जीटी रोड, नहीं लगेगा पावर प्लांट। ये जो है बिहारियों को ठगने का एगो जो है बहुत बड़ा साजिश है। जितना भाई लोग हैं सबको कहते हैं एकजुट हो जाओ बिहारी, और नहीं तो यहाँ से सबको हो जाएगा खदारी। विशेष राज्य का दर्जा आपका मुख्य मांग है, इसके बिना क्या लगता है विकास नहीं होगा बिहार? कहीं ना कहीं भैया देखिए स्पेशल स्टेटस से बहुत फायदा होता है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, अगर वो गरीब है पिछड़ा है उसको स्पेशल स्टेटस दे करके उसको संरक्षित किया जा सकता है। आज हमारा कल्चर जो है किस तरह से खराब हो रहा है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसका भी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलने से ही होता है। या चाहे यही आप देख लीजिए कि मतलब क्या बोल सकते हैं, कौन नहीं जानता है बिहार को जो है शोक, मतलब कि नदी जो है बाढ़े में रहता है, कितना खराब स्थिति से जितना लेडीज है, जितना गरीब गुरबा है, चाहे जो भी संपन्न लोग भी हैं, सबको त्रस्त रहता है बाढ़ से। अब बिहार का आधा से 75% हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ रहता है, कौन इसका करेगा जवाबदेही? तो ये सब एगो है, दिल्ली तो अभी कुछ सोचे नहीं है, 4-5 दिन लग सकता है, कुछ भाई लोग हैं रास्ता पेरा मिलेंगे भी,
बात भी करेंगे। अब वैसा मिलेगा विशेष राज का दर्जा, क्योंकि अब तो केंद्र ने साफ तौर पर मना कर दिया। मेरा काम है मांगना, उनका काम है देना। अब हम कैसे मांगते हैं वो मेरे डिपेंड करता है, वो कैसे देंगे वो मेरे डिपेंड करता है।